दोस्तों, साउथ इंडियन एक्ट्रेस डॉली डिक्रूज का हैदराबाद में कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। डॉली डिक्रूज गायत्री सरनेम से फेमस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के बाद वो पार्टी करके लौट रही थी, तभी वो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। डॉली का ऑन द स्पॉट निधन हो गया। उनकी उम्र महज 26 साल थी। बताया जा रहा है कि कार उनका दोस्त चला रहा था। कार से नियंत्रण खोने पर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और मौके पर ही एक्ट्रेस गायत्री का निधन हो गया। चल दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस गायत्री कितनी आलिशान जिंदगी जिया करती थी। आप तो जानते ही होंगे कि गायत्री एक मशहूर एक्ट्रेस होने के साथ साथ पॉपुलर यूट्यूबर भी थी। उनका यूट्यूब चैनल जलसा रायुडू काफी ज्यादा पॉपुलर था, जहाँ से उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी थी। इतना ही नहीं, गायत्री कई शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय करती हुई नजर आ चुकी हैं, जहाँ से उनके किरदारों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और अपने इसी टैलेंट के दम पर उन्होंने करीब 10 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा इनके आलिशान घर में खर्च किया गया था। जी हाँ, इनका हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आलिशान घर था, जिसकी लाइटनिंग और कलरिंग के साथ साथ आउटलुक को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बता दें कि गायत्री जितने आलिशान घर में रहा करती थीं, उतनी ही लग्जूरियस लाइफ भी मेंटेन करती थीं। इनके ड्रेस कलेक्शन में ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस थी। इतना ही नहीं, इनके पास फुटवेयर का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। इसके अलावा वे अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए परफ्यूम और रिस्ट वॉच जैसी चीजों पर भी हजारों रुपए खर्च किया करती थी। लेकिन इनकी लग्जूरियस लाइफ को जो और भी ज्यादा आलिशान बनाता था, वो था इनका कार कलेक्शन, जिसमें मर्सिडीज और टोयोटो जैसी महंगी कारें शामिल थीं। इन सब से आप साफ पता लगा सकते हैं कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज कितनी आलिशान जिंदगी जिया करती थी। फिर दोस्तों, भले ही साउथ इंडियन एक्ट्रेस गायत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आपको गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज की आलिशान जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।